हेलो एवरीवन, मैं हूं टेक डिफाइनर और आप देख रहे हैं टेक टॉक्स इंडिया। फ्रेंड्स, प्रेजेंट टाइम में फेसबुक तो हम सभी यूज करते हैं, तो फ्रेंड्स आज की वाली वीडियो फेसबुक यूजर्स के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वाली वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिनका यूज करके आप अपनी प्रोफाइल और अपनी पोस्ट को बहुत ही यूनिक और अट्रैक्टिव वे में कस्टमाइज कर सकते हो और अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में सबसे कूल बन सकते हो। तो फ्रेंड्स, इन यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स को देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना, और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर स्टार्ट करें हमारी पहले ट्रिक से, तो फ्रेंड्स आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी फेसबुक पोस्ट पे म्यूजिक को लगाना जानते होंगे, बट फ्रेंड्स क्या आपको पता है कि आप वही सेम म्यूजिक को अपने फेसबुक प्रोफाइल पे भी लगा सकते हो। अगर मैं आपको यहाँ पर अपना फेसबुक प्रोफाइल ओपन करके दिखाऊं, तो आप यहाँ पर क्लियरली देख पाएंगे कि मैंने यहाँ पर जो अखिल का एक सॉन्ग है उसको मैंने यहाँ पर प्लेस कर रखा है अपने फेसबुक प्रोफाइल में। अगर आप इसको प्ले करके देखना चाहते हो, आप इसे प्ले भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसी तरीके से अपने फेसबुक प्रोफाइल पे कोई भी सॉन्ग को लगा सकते हैं। अब उसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं अभी यहाँ पे इस सॉन्ग को सबसे पहले रिमूव कर देता हूँ, अनपिन कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरा प्रोफाइल आपकी तरह हो गया है। अब मुझे यहाँ पर कोई सॉन्ग यहाँ पर प्लेस करना है, तो मैं यहाँ पर प्रोफाइल में नीचे जाऊँगा सबसे नीचे, और यहाँ पर आऊँगा नीचे म्यूजिक में, ठीक है। इस पर मुझे क्लिक करना है, और मुझे यहाँ पे जितने सारे सॉन्ग हैं इनमें से कोई सा भी सॉन्ग लेना है। सपोज कीजिए मुझे यहाँ पे ले लेना है ये गुरु रंधावा का बंजा रानी वाला। इसको मैं यहाँ पे सीधे ये थ्री डॉट पे क्लिक करूंगा और पिन टू प्रोफाइल पे क्लिक करके इसको सेट कर दूंगा, और यहाँ पे लिख के आ जाएगा सॉन्ग हैज बीन पिंड। अब इसको बैक करिए आप और प्रोफाइल में ऊपर आ जाइए, इसको रिफ्रेश करिए एक बार। रिफ्रेश करने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख पाएंगे जो नया सॉन्ग है मेरा बंजा रानी वाला, यहाँ पर ये प्लेस हो चुका है और आप इसको प्ले भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने फेसबुक प्रोफाइल पे किसी भी टाइप के म्यूजिक या फिर सॉन्ग को ऐड कर सकते हो और अपने प्रोफाइल को यूनिक और अट्रैक्टिव बना सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर बात करें हमारी सेकंड टिप की, तो फ्रेंड्स क्या आपको पता है कि आप फेसबुक में अपना खुद का अवतार बना सकते हो, मतलब 3D अवतार जो होता है वो आप बना सकते हो। तो उसके बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली फेसबुक को ओपन करना है, और सबसे लास्ट में आपको जो 3 लाइन देखने को मिलती है इस पर क्लिक करना है, और आपको इसमें नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सी मोर का, उस पर आपको क्लिक कर देना है। इसमें आपको सबसे ऊपर ही देखने को मिल जाएंगे अवतार्स, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपका लोडिंग होगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यहाँ पर कोई फेस सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि सपोज कीजिए मैं यहाँ पर अपना ये वाला फेस सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप काले गोरे जिस टाइप के भी हैं अपना फेस सिलेक्ट कर लीजिए, ये वाला सिलेक्ट कर लिया मैंने। फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा हेयर वगैरह सिलेक्ट करने का, आप हेयर वगैरह अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें आपको ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, अपने हेयर स्टाइल के हिसाब से आप जो भी चाहें वो हेयर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये वाला ले लिया, और यहाँ पे हेयर को आप शॉर्ट वगैरह भी कर सकते हैं कि आपको किस टाइप के हेयर चाहिए, शॉर्ट चाहिए, मीडियम चाहिए, लॉन्ग चाहिए। उनका कलर भी एडजस्ट कर सकते हैं आप। आजकल रंग बिरंगे हेयर भी आपको देखने को मिल जाते हैं, तो इस टाइप के कलर्स भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लाइंस का, तो आपके फेस पे जो लाइंस वगैरह होती हैं उनको भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। जो आपके फोरहेड पे लाइंस वगैरह होती हैं उनको भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आई शेप्स में आपको अपनी जो आई होती है उनको उनकी शेप को चेंज कर सकते हैं। तो इसमें आपको ढेर सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इसमें आईब्रो वगैरह सभी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको आईवीआर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, मतलब आप यहाँ पे ग्लासेस वगैरह को भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जिनका यूज करके आप अपना एक 3D अवतार बना सकते हैं। तो मेरा तो ये कम्प्लीट हो गया है यहाँ पे, और मैं उसको यहाँ पर कम्प्लीट यहाँ पे डन कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसे डन कर दिया, और ये मेरा जो अवतार है यहाँ पर ये क्रिएट हो रहा है, ये कम्प्लीट हो गया। इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। अब ये जो आपका अवतार होगा, आप इस अवतार को अपनी कमेंट्स में भी यूज कर सकते हैं, तो इसको आप यहाँ पर नेक्स्ट कर दीजिए। हमारा यहाँ पर अवतार तो रेडी हो गया है, बट अब इसका यूज कैसे करना है। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो अवतार है इसका यूज आप कमेंट में कर सकते हो। किसी भी पोस्ट पे जाके अगर आप कमेंट करोगे तो स्टिकर के फॉर्म में आप इसको यूज कर सकते हो। तो चलिए हम इसका आपको यूज करके दिखाते हैं। तो मैं यहाँ से अभी इसको बैक कर देता हूँ और कोई भी एक पोस्ट उठा लेता हूँ जिसमें मुझे कमेंट करना है। तो फ्रेंड देखिए, जैसे कि अभी एक आर्जे प्रवीण का एक वीडियो है, इस पर मुझे कमेंट करना है। तो सीधे आपको मैं कमेंट पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे आप नीचे कमेंट बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा जो राइट साइड में एक आपको एक आइकन देखने को मिलेगा जो कि मेरे अवतार का है, जो कि मैंने अभी क्रिएट किया था। तो मुझे सिंपली इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपका देखने को मिल जाएंगे बहुत सारे स्टिकर जो कि मेरे अवतार के हैं। तो बल्ले बल्ले जिस टाइप के आपको जो भी स्टिकर हैं उनको आप सीधे टैप करिए और ये यहाँ से सेंड कर दीजिए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपने अवतार को क्रिएट कर सकते हैं,
और फिर उसी अवतार को स्टिकर की फॉर्म में किसी भी फ्रेंड्स या फिर आप किसी भी पोस्ट पे जाके कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वाली ट्रिक कैसी लगी। अब फ्रेंड्स, अगर बात करें हमारी थर्ड ट्रिक की, तो फ्रेंड्स वो फेसबुक वीडियो से रिलेटेड। फ्रेंड्स, फेसबुक पे आप डेली बहुत सारी वीडियोस को देखते होगे स्क्रॉल करते हुए, और जिनमें से आपको कोई ना कोई वीडियो एक ऐसी देखने को मिलती होगी, चाहे वो फिर फन की वीडियो, कॉमेडी की वीडियो, जिसको आप डाउनलोड करके अपने व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर करना चाहते होगे। तो फ्रेंड्स, फेसबुक पर आपको कोई भी वीडियो को डाउनलोड करने का डायरेक्ट ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। आप या तो उसको मैसेंजर में शेयर कीजिए या फिर आपको उसको पोस्ट बनाकर शेयर करना होता है। तो फ्रेंड्स, अब अगर आपको व्हाट्सएप पे शेयर करना है तो आपको उस वीडियो को ऑफलाइन डाउनलोड करना पड़ेगा किसी भी ब्राउजर पे जाके। तो उसको डाउनलोड करने का बहुत ही सिंपल मेथड है, आपको जिस भी वीडियो को डाउनलोड करना है उस वीडियो को आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। जैसे कि सपोज कीजिए मुझको यहाँ पर ये सैमसंग वाली वीडियो डाउनलोड करनी है, तो मुझे यहाँ पर नीचे आना है और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक शेयर वाला ऑप्शन। तो मुझे शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको देखना क्या करना है, यहाँ पे आपको कॉपी लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये लिंक आपकी कॉपी हो गई। अब आपको फेसबुक को क्लोज कर देना है, आपको अपने क्रोम ब्राउजर में जाना है और क्रोम ब्राउजर में आपको सर्च करना है ऑनलाइन फेसबुक वीडियो डाउनलोड, ठीक है। जैसा कि मेरा लिखकर आ गया है, इस पे आपको टैप कर देना है। फिर इसमें आपको ये सेकंड वाली जो वेबसाइट है fbdown.net, इस पे आपको ओपन कर लेना है। इस पे ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर आपने जो फेसबुक का URL कॉपी किया था वीडियो का, उसको यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको सिंपली डाउनलोड बटन पे क्लिक कर देना है। ये थोड़ा लोडिंग होगा यहाँ पे और जो आपकी वीडियो होगी वो रेडी हो जाएगी। और फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कि आपको 4K में डाउनलोड करना है या फिर HD में डाउनलोड करना है। इसके अलावा आपको यहाँ पर और भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको फोर्स डाउनलोड टू HD, मतलब कि जो HD क्वालिटी होती है उसमें भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको अदर क्वालिटी चाहिए तो आप उनमें भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं भी सिंपली आपको यहाँ पर HD में डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो मैं अभी HD पे क्लिक किया और इसको आप बैक कर दीजिए और ये डाउनलोड होना अभी स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, हो सकता है आपको यहाँ पर एक दो ऐड देखने को मिल जाए, तो आपको सिंपली क्या करना है, बैक बटन को प्रेस करके उनको स्किप कर देना है। और अभी देखिए मेरा ये डाउनलोड वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आ गया है और इसको मैं यहाँ पर सिंपली डाउनलोड कर लेता हूँ। और अभी ये जो मेरी फाइल है यहाँ पर कम्प्लीटली डाउनलोड हो चुकी है और मैं आपको अभी गैलरी में भी दिखा दूंगा। देखिए ये वाली जो फाइल मैंने अभी डाउनलोड की है, ये आ चुकी है गैलरी में। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप फेसबुक पर कोई भी वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं इजीली अपने मोबाइल फोन के इंटरनल स्टोरेज में, फिर चाहे वो SD कार्ड हो या फिर आपका फोन का इंटरनल स्टोरेज हो, और फिर आप उसको डाउनलोड करके कहीं भी शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बस यही थी आज की वीडियो फेसबुक टिप्स और ट्रिक्स के रिगार्डिंग। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको यहाँ पर कौन सी ट्रिक पसंद आई। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपका इस वीडियो के रिगार्डिंग अभी भी कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल जाए। मैं मिलता हूँ आपसे एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे होम एंड बी गुड इन टेक। बाय बाय।